बड़े लोग यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज तू मैं हाँ सलीम बलोच। आज मैं मौजूद हाँ पीर जीवन मेले दे जड़ा के कैरोड़पका शहर तो तकरीबन 5 किलोमीटर सफर उत्ते मौजूद है। और मेले की क्या पोजीशन है, क्या क्या सहूलत मौजूद हैं और चाल के थको वीडियो दिखेने। सब तो पहले हजरत सखी पीर जीवन सुल्तान दी मजार उत्ते हाजिरी दी थी। अल्लाह दे इस नेक हस्ती दी जगह दे अवाम दी काफी तादाद मौजूद है। और पानी दी प्यास बुझाने वास्ते चश्मे आप भी मौजूद है। रेलवे ट्रैक दे रूहावा बनो मेला लगवाया है। रेलवे ट्रैक दे रूहावा बनो मेला लावना इंतहाई खतरनाक है क्योंकि कोई भी हादसा पेश आ सकता है। दे विच बालां वास्ते खूबसूरत खिलौने दियां बाजारां भी मौजूद हन। दुकानदारां दा आखण हा जो महंगाई बहुत ज्यादा है, आवाम मेले दे रुख बहुत घट करेंदी पई। ए मेले दे एक बाबा मौजूद है जेड़ा रोटियां भी पकेंदा खड़ा दे नाल नाल सिगरेट मुंह च पाती खड़ा। इस दुकानदार दा आखण आ जो फलूदा खाओ गर्मी भजाओ। चार साल बाद मेला लगा जेंदी वजह तू आवाम दा रुख बहु घट है। यकीनन गर्मी दा तो फलूदा ही है। मेले दे विच मौजूद हाँ जड़ा के बिल्कुल फ्रेश मिठाई तैयार थी पी है। प्रोसेस दिखाया जिते के रसगुल्ले मतलब तैयार थी पान उन्दे बाद उतू कर बाहर दे बाद थारे को लाने जी जी आवाज हम पक गए ने बाद दुकान दे पहुंचे ने। अच्छा कितनी देर मतलब इन्हें को पके सुरत करो ये में से 5-10 मिनट पक गए ने। ताज़ा जलेबियाँ बढ़ावन वाल उन्हें जलेबियाँ दा खामन इन्हें दा मज़ा ही अलग है। पैसे ना पल्ले हार गिनसे के छले कुछ लोग वक्त पास करन भी मेले जानन। बालां वास्ते जबरदस्त खुशे भी मौजूद हैं। बालां वास्ते मट्टी दे बर्तन भी मौजूद हैं। सस्सी दा मुजस्मा भी मौजूद है। पीर जीवन मेला जड़ा है ते कर क्या पोजीशन चलदी पई है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अपना नाम रसे सो कबीर अहमद। अच्छा सर ये रसो मिट्टी दे बर्तन जड़े तुसा बनाई खड़े माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। अच्छा इंदे अलावा मेले दी क्या पोजीशन है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अरसे बाद मेला लगे 4 साल बाद सही वेंदा पे काम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाक दा एहसान है। मतलब मिट्टी दे जरे बर्तन ने किथों मंगवेंदे रे। एसी साहब बरेने अहमद पोशर के आवे छ किनोने दे गए। इंदे अलावा बाकी क्या प्रोडक्ट बने ने। सा दिल्ले ही बने ने पात्रियां बने ने मटूरियां जिवे देहाती माहौल दे मुताल्लिक होने ने उवें बने ने। जी
ਇਸੇ ਕੋ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੋਪੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਲਾਮ ਇਹ ਸੱਚਾ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਸਹੀ ਮੰਗਿਆ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟੋਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਰ ਜਲਦੀ ਪਿਓ ਗੋਲ ਗੋਲ ਜਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹਦਨ ਗੋਲ ਟੋਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਟੋਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਲ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਘੂੜੇ ਔਰ ਬੇੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਿਲ ਕੇ ਅਰਮਾਂ ਆਂਸੂਆਂ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਏ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੁਸੇ ਹਨ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਹੈ ਖੁਸੇ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨ ਜਾਣਨੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਬਜਨ ਜੀ 150 ਰੁਪਏ ਖੁਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਮ ਜੀ ਯਹਾਂ अच्छा इसमें जो वैरायटीज हैं चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है सबका एक ही रेट है या बिल्कुल जी एक ही रेट लगाया हुआ हमने इस मेले के लिए यहाँ गरीब लोग बसते हैं हमने बिल्कुल एक ही रेट लगाया हुआ है चलो 150 रुपये सेल लगा दी हमने वो तो गरीब अमीर हर आदमी पहन ले इसको ये सियालकोट बनती है सियालकोट के बहुत बड़ा शहर है कदीमी शहर है सियालकोट इतने के रहे गाँव रिडा शितर मुर्ग भी मौजूद है ई मेले को अगर रंग आई तो उनकी वजह मौत का कुआं और लकी रानी सर्कस है ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਸ ਤੱਕ ਚੱਲ ਕੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੌਤ ਤੱਕਾਂ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੱਕ ਰੁਕੇ ਸੀ ਲੱਕੀ ਰਾਣੀ ਸਰਕਸ ਵੀ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਲੱਕੀ ਰਾਣੀ ਸਰਕਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਕੁਝ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਸਕਿਉਰਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੈਮਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਵਾਂਗੂੰ ਤਾਂ ਵਕਫਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਸਕਦੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤਕਰੀਬਨ 7:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿਣਾ ਆਵੇ ਸੀ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਰਿਆਜ਼ ਸਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਮੌਤ ਤੱਕਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਿਖਿਆ ਪਿਓ ਸੀ ਮੌਤ ਤੱਕਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਿਓ ਸਨ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਕਿੰਗ ਏਜ ਖੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਹਨ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਦੇਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਰ ਨਾਲ ਨਾ ਰਾਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਮੌਤ ਕੇ ਕੂਏ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੂੰ
यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया है कि किस तरह जो है यहाँ पे जो मौत का कुआं है उस पर एक मोटरसाइकिल सवार जो है मोटरसाइकिल पर सवार हो के जो है वो यहाँ पे सवारी कर रहा था, और मोटरसाइकिल जो हालत है वो कैमरा मैन आपको दिखाएगा वहाँ पे क्या सूरत हाल है मोटरसाइकिल की। सबसे पहले कैमरा मैन आपको मोटरसाइकिल की सूरत हाल दिखा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम शराफत अली शाह। अच्छा सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम ज़िला कसूर से। ज़िला कसूर से। अच्छा सर ये आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? ये बस 17-18 साल हो गए हैं। ये अपना काम कर रहे हैं, कोई हादसा पेश नहीं है आपके साथ? मैंने गिरे हैं कई दफ़ा गिरे हैं। ठीक है, तो फिर आपको डर नहीं लगता है ये काम करते हुए? नहीं, अभी हमारा प्रोफेशनल काम बन गया है ना। सही। तो यही करते हैं, यही रोज़ी रोटी हमारी। सही। अच्छा इसके अलावा जो है यहाँ पे ये कार जो मैंने देखी है ये खड़ी है, ये भी आप यहाँ पे चलाते हैं? जी ये कार भी चलाते हैं, मगर ये ना थोड़ी ख़राब हो गई इसलिए इसको नहीं चला रहे। इसके अलावा मैंने देखा है आप हाथ छोड़ के भी स्टंट कर रहे हैं, यकीनन है कि रोड पे जब बंदा चलता है वहाँ पे भी हाथ छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा खुद भी मतलब सर्कल में है ना तो हमारा दिमाग थोड़ा सा घूम जाता है, लेकिन आप इतनी स्पीड के साथ जो बाइक चला रहे होते हैं आपको चक्कर नहीं आते? नहीं, ये सारा सिस्टम हमने पहले जब ट्रेनिंग करते हैं ना उस वक्त हो जाता है पूरा चक्कर वगैरह जो है ना, तो उसके बाद फिर ऐसे ही जैसे रोड पे चला रहे हैं। ये कम से कम कितने मतलब हिसाब स्पीड के साथ मोटरसाइकिल चल रही होती है? ये तकरीबन 50-55। उनका कहना है कि यहाँ पर जो है यकीनन ये मौत का एक कुआँ है जिसका नाम भी मौत का कुआँ है, लेकिन हम जो है बच्चों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। खूबसूरत रोशनी नाल उम्मीद करना तो सारा आज का प्रोग्राम पसंद आया, उसी सबको अपने दुआएं याद रखो। अल्लाह निगेबान।